बाढ़ ने बिहार के जिलों में तबाही मचा दी है। बिहार में अब तक बाढ़ से 83 लोगों की मौत हो चुकी है और 47 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें बिहार में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। एनडीआरएफ ने 11,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है। बिहार में अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी और सुपौल में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जाइए बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करिए, बाढ़ से पीड़ित लोगों से मुलाकात करिए, उनकी परेशानियों को सुनिए और समझिए भी। सीएम नीतीश कुमार का यह कदम कहीं न कहीं सरकार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लें और लोगों की मदद करें। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी दीजिए। आरएसएस के संगठनों के बारे में जानकारी लेने के मामले पर पुलिस मुख्यालय ने अपनी सफाई दी है। विशेष शाखा के एडीजी जितेंद्र गंगवार ने कहा कि आरएसएस नेताओं की सुरक्षा के संबंध में कुछ इनपुट मिले थे, उसी आधार पर जानकारी मांगी जा रही थी। उन्होंने कहा कि उस इनपुट को हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत स्पेसिफिक इनपुट मिले थे कि आरएसएस के नेताओं की जान को खतरा है। बिहार पुलिस के खुफिया विभाग ने आरएसएस के 19 संगठनों के नेताओं के बारे में जानकारी के लिए 28 मई को पत्र जारी किया था। इस पत्र को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। बीजेपी ने अपनी सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। पटना के बेउर स्थित केंद्रीय आदर्श कारा बेउर सेंट्रल जेल को ब्लास्ट कर उड़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इस बात की स्पेशल इनपुट जैसे ही बिहार पुलिस को मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात को आनन फानन में पूरी जेल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सिटी एसपी, एसपी, डीएसपी समेत 6 थानों की पुलिस देर रात बेउर जेल पहुंच गई और फिर जेल के तमाम बैरकों और वार्डों के अलावा दीवारों के आसपास कैंपस में बेहद बारीकी से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बिहार के सभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में गुरुवार को पढ़ाई ठप रहेगी। दरअसल राज्य भर के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य के सभी शिक्षक वेतनमान मामले को लेकर सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं और पहले भी कई दफा आंदोलन कर चुके हैं। विधानसभा घेराव के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूबे के कोने कोने से शिक्षक पटना पहुँच रहे हैं। पहली बार सभी 18 संगठनों के शिक्षक एकजुट होकर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के बाद गर्दनी बाग में महाधरना का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।